हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज है हमारी क्लास 6। आज की क्लास में हम रोज़ फ्लावर सीखेंगे कि रोज़ का फ्लावर हम किस किस तरीके से और बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं। ज़्यादातर रोज़ेस गल्फ मेहंदी में काम आता है, और टैटू अगर मेहंदी आप बना रहे हैं टैटू वाला, तो आप उसमें काम में ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ये रोज़ काम में नहीं लेते हैं, सिंपल बेल में काम में ज़्यादा लिया जाता है और बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे से बड़े की तरफ हम स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही इजी तरीके मैं आपको बताऊंगी बनाने के, जिसे आप झटपट बना सकते हैं। ये सभी रोज़ की मैंने कभी कोई क्लास नहीं ली है, मैंने नहीं देखा है कि किस तरह बनते हैं। हाँ, मैंने पिक्चर्स देख कर उनको कॉपी करके बनाना ज़रूर सीखा है, पर हाँ, मैंने किसी का देख कर बिल्कुल भी नहीं सीखा है, क्योंकि मुझे किसी का समझ में आता ही नहीं है। इसलिए हमने छोटा सर्कल किया है, जो हम सर्कल सीखते आए हैं, बस थोड़ा सा दबाया है और फिर उसको एकदम चोंच की तरह नीचे से निकाल दिया। ज़्यादा दबाते हुए बस फिर एकदम छोड़ दीजिए कोण को। इसे गल्फ हिना में जैसे मोटी मोटी मेहंदी लगती है, उसमें सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। मैंने सबसे ज़्यादा रोज़ वैलेंटाइन डे का जो न्यूज़पेपर आता है, उसमें काफ़ी तरह के रोज़ बने हुए आते थे, तो मैंने उसी को कॉपी करके ज़्यादातर रोज़ बनाना सीखा है। मुझे जहाँ भी जो भी डिज़ाइन दिखता था, तो उसे मैं बना लेती थी, और उससे मुझे ये सब बनाना आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सर्कल हर फ्लावर में काम आएगा, और ये सर्कल हर मेहंदी के डिज़ाइन में काम आएगा। इसको आप एक्यूरेट बनाना सीख लीजिए। यह आप देख सकते हैं, मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ, फिर उसको थोड़ा कम करते करते उससे मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा डिस्टेंस रखिए, पूरा भी मिक्स मत कर दीजिए, ताकि वो गैप दिखे और वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। देख सकते हैं, ये मैंने पहले उस तरह से बनाया, और अब यह मैं ऐसे बना रही हूँ। काफ़ी तरह से आप रोज़ बना सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो, रोज़ की शेप दे सकते हो। रोज़ तो सबने ही देखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो देखकर। और जिस तरह से मैं मूवमेंट कर रही हूँ, इस तरह से भी आप बना सकते हो। आपको तो मैं बना कर बता रही हूँ, और मैंने तो वैसे देख देख के सीखा है कि कैसे कौन सी पत्ती आ रही है, कैसे मूवमेंट हो रहा है। बनाते हुए तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन क्या बना जाता, समझ ही नहीं आता है मुझे। तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोज़ बना सकते हैं। आज मैं यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको कम से कम शायद 11 से 12 मैंने रोज़ बनाने सिखाए हैं कि आप किस तरह से रोज़ बना सकते हो। इस तरह पतली पतली लाइन कर दे, नीचे की तरफ हमेशा तीखा रखे हैं आप। रोज़ के अंदर यही है, ऊपर से उठावाते हुए नीचे की तरफ आप थोड़ा तीखापन रखें, ताकि वो एक पत्ती, जैसे जब वो क्या बोलते हैं उसको, जब दूर से देखते हैं तो वो एक पत्ती ऊपर से मोटी होती है, नीचे पतली दिखाई देती है, उसी तरह से इसमें दिखाई देती है। वो शायद उसकी छाया होती है, उस हिसाब से वो नज़र में आता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैंने गोले के साथ इसको ले लिया। ये ऊपर जो मैंने बनाया ना, उसका एकदम बेसिक रूप है ये। उसमें मैंने नीचे को एक्स्ट्रा लाइन और ली है, इसमें मैंने ऊपर से ये तीन ऐसे गोल गोल बना के भर दिया है, और नीचे को एक्स्ट्रा लाइन नहीं ली। इससे भी आप सिंपल भी बना सकते हो। चलिए और डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। रोज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर मैं इसे टैटू वगैरह बनाते हैं, जैसे कभी मन करता है तो हाथ पे टैटू वगैरह बनाया तो अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये सब तरह के मैंने अपने हाथ पे बनाए हुए हैं, हालांकि मैंने अभी चैनल्स पे अपलोड नहीं किए हैं। मेरे जो आर्ट ऑफ सृष्टि का चैनल है, उसमें मैंने रोज़ नहीं अपलोड किया है अभी, पर हाँ, आने वाले टाइम में, जैसे मैंने उस चैनल पर बताया था कि 1 तारीख से सिंपल डिज़ाइंस मतलब आपको मिलने लग जाएंगे, तो तब सब तरह के डिज़ाइंस को जो एकदम सिंपल हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तब उसमें रोज़ की डिज़ाइन भी होगी, हर तरह की डिज़ाइन आपको वहाँ मिलेगी। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा वोटिंग जो आई थी सिंपल डिज़ाइन की आई थी,
इसलिए मैंने सिंपल डिज़ाइन सोचा है। 1 तारीख से रक्षाबंधन सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको रक्षाबंधन से रिलेटेड ही मेहंदी के डिज़ाइंस मिलेंगे, जिसे आप झटपट बना सकते हैं। यह आप देख सकते हैं, जो अभी मैंने फ्लावर बनाया है उसे मैंने अंदर थोड़ा मोटा मोटा हाईलाइट किया है और बाहर मैंने फिल कर दिया है। ये जो फ्लावर में भी बना रही हूँ ना, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसको सीखने में ना मुझे थोड़ा टाइम लगा था। जैसे जैसे मैं मूवमेंट कर रही हूँ ना, वैसे वैसे आप इसको कीजिए तो आप बहुत अच्छा सुंदर रोज़ फ्लावर बना सकते हो। ये सब मैंने न्यूज़पेपर से या किसी बुक में, जैसे पहले क्या है, जो भाई बहनों की बुक होती है ना, उसमें भी फ्लावर्स वगैरह इस तरह बने हुए आते हैं। मुझे जहाँ जो दिखता है बस मैं उसकी कॉपी कर लेती हूँ और मैं उसके कॉपी के ज़रिए मैं सीख लेती हूँ, क्योंकि विदाउट कॉपी करे तो कोई भी नहीं सीखता और ना किसी को आता है। कोई कहीं ना कहीं से ज्ञान लेता ही है, तो मैंने अपने कॉपी किताबों अखबारों यहीं से ज्ञान लिया है और बस सीख लिया है, इतना है। अच्छा सीख लिया है, मुझे अच्छा लगता है, खुश हूँ मैं अपनी इस मेहनत से। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप भी इसे सीखें और सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाएं, ताकि आपको किसी से बोलना ना पड़े कि मेरे मेहंदी लगा दो, कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तभी मैंने मेहंदी लगाना सीखा था। देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन गया है। इसको हम शेड करेंगे, इसको आप मोटी लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये पतली लाइन में बना के आप इसको शेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले क्या होता था, जो कोई त्यौहार होता था और जैसे दीदी वगैरह को मेहंदी आती थी और मैं कहती थी कि मेरे मेहंदी लगा दो, तो वो लगाते ही नहीं थे, बच्ची थी ना मैं, बच्ची समझ के लगाते ही नहीं थे। तो मैंने सोचा भी ये कोई कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, अपन भी लगाना सीखेंगे। मैंने भी फिर कोन उठाया, टेढ़ा मेढ़ा चाय जैसा बनाते बनाते आज मुझे अच्छे से बनानी आ गई है मेहंदी, और बहुत अच्छी मेहंदी मैं अब लगा लेती हूँ। मेरे पेड़ में कोई भी हमारे फंक्शन होता है, पूरे घर पे मैं ही मेहंदी लगाती हूँ सबके, हमेशा से। बस मेरा काम ही ये रहता है मेहंदी लगाने का, और कोई काम के लिए मुझे कोई पूछता ही नहीं है, बस मेहंदी मेहंदी लगा दो सृष्टि, मेहंदी लगा दो, बस ये काम रहता है। अच्छा लगता है मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे आलस नहीं आता, एक्चुअली मुझे मेहंदी लगवाना भी पसंद है तो लगाना भी पसंद है। ये आप मूवमेंट देखते रहिए, ये जो लाइन कर रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आप इसी मतलब इसी तरफ करते रहिए, क्योंकि एकदम डिट्टो कोई नहीं बना पाता, और ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसे मैं दोबारा नहीं बना सकती, इतना मुझे पता है। बस हमें इस तरह लहर देते हुए एक गोल आकार देना है, जैसे ये क्या बोलते हैं, पत्तियाँ हैं और जैसे उठी हुई हैं, इससे हमें रोज़ वाला आकार इसको देना है, गोल गोल दे गोल आकार देना है, ताकि ये लगे हमने रोज़ बनाया है। एकदम डिटो नहीं बना पाओगे, कोई नहीं बना पाता, मैं खुद उसको दोबारा नहीं बना सकती हूँ। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि हम एक रोज़ बना रहे हैं, हमें पैटर्न आ गया है किस तरह बनाना है, बस हमें उसे आकार देना है गोलाई में, ताकि वो रोज़ वाला उसमें लुक आ जाए। जैसे मैंने बस उसको गोलाई में कर दिया है, इस तरह पत्तियाँ सी लेकर नीचे की तरफ, बस आप इसको तिकोना रखें, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। ऊपर से मोटाई से लाते हुए, अगर आप ऊपर से भी दाएं की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप उसको पतला ही कीजिए, दाएं कीजिए चाहे बाएं कीजिए, उसको पतला कीजिए। इस तरह करके मैंने देखो बीच में सेंटर में सबसे टॉप के ऊपर गोला बना दिया। आप भी इस तरह के रोज़ फ्लावर में इसी तरह गोला बनाएं। प्रैक्टिस आप प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीखें। जब मुझे उस चैनल पे कमेंट्स आते थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना सिखाई जाए मेहंदी, जब मुझे सब इतना पूछ रहे हैं कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई पूछता है। वो किसी को उम्मीद होती है तभी वो आपसे कुछ करने को कहता है, नहीं हर किसी की हिम्मत नहीं होती किसी को कुछ कहने की। तो मेरे को हमेशा से इच्छा रही है कि मैं मेरे सब्सक्राइबर की जो भी रिक्वेस्ट हो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, चाहे कैसे भी करनी पड़े, थोड़ा टाइम लग जाए मुझे, पर मैं उसे कंप्लीट ज़रूर करती हूँ, 100% करती हूँ। ये मेरी हमेशा से इच्छा रही है।
देखिए कितना सुंदर, ऐसे जो इंग्लिश रोज होता है ना वो वाला ये फ्लावर एक तरह से बन गया है। गल्फ मेहंदी इसे कहते हैं, थोड़ी मोटी मोटी है इस तरह, थोड़ी थोड़ी जगह में इस तरह बनती है। देखो इसमें आप और पतली लाइन, जैसे कई लोगों को बहुत पतली पतली मैंने देखी है, इनके मैं डिज़ाइंस वगैरह कभी देखती हूँ तो यूट्यूब पे, तो वो बहुत पतली करते हैं, थोड़ा खुला खुला होना चाहिए ताकि वो डिज़ाइन दिखे, अट्रैक्टिव लगे, तो इसलिए मैं थोड़ा खुले खुले डिज़ाइन बनाती हूँ। एकदम छोटा सा गोले के अंदर मैंने गोला सिक्स बना दिया एक तरह से, उस तरह से इसके अंदर और एक बड़ा गोला कर दिया बाहर, और इसके अब मैं राउंड राउंड कर रही हूँ। इस तरह से हल्का सा मूव करना है हमें, बस मोटा पकड़ के फिर उसको नीचे की तरफ हमेशा पतला रखना है, बस इतना ध्यान। दोनों ऊपर नीचे का हिस्सा बराबर मत रखिए आप रोज में, रोज में हमेशा नीचे का हिस्सा आपको पतला ही करना रहेगा, तभी उसकी पंखुड़ियों वाला वो लुक हमें देखने को मिलेगा। ये मैंने जो साइज आपको दिख रहा है ना अभी वीडियो में, उसी साइज का मैंने बनाया है, मैंने कोई बड़े साइज नहीं है। कई बार क्या होता है कैमरे की वजह से लगता है कि बनाया छोटा है, दिख रहा बड़ा है, जो साइज दिख रहा है इसी तरह से ये बना हुआ है। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है मेरा जो पैटर्न है बताने का वो आपको अच्छा लग रहा है, या मुझे आपके लिए कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप मुझे प्लीज़ बताइए। मैं रियल में कह रही हूँ मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं भी एक बस आम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने इसको थोड़ा गोला, हाँ इसको गोला ही कर दें, आप ही के सबके जैसी हूँ, आपसे कुछ भी डिफरेंट नहीं है मुझ में, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कोई कमी है कि भाई आपने ये क्लास थोड़ा ढंग से नहीं बताई, इसमें आप हमें ये ऐड कीजिए। हाँ पैटर्न का, डिज़ाइन का, मेन डिज़ाइन के बारे में प्लीज़ मत कहिएगा, अपन पैटर्न वाइज ही चलेंगे। मैं चाहती हूँ आपको सारे पैटर्न बता दूँ, फिर उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे ना, तो अपन को बिल्कुल भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप झटपट बना लोगे, या आपने पीछे की क्लासेस देख के, जैसे जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपनी जो बुकलेट बनी होती है उसको हम अच्छे से देखते हैं, फिर से देखते हैं कि हमने प्रैक्टिस तो कर ली, फिर भी एक बार देख लें, बस उसको देखते ही आप जैसे मैं सिखाऊंगी इस तरह का डिज़ाइन आप यहाँ जोड़िए, इस तरह का डिज़ाइन आप वहाँ जोड़िए, तो आप ऑटोमेटिक सब आप खुद से करने लग जाएंगे, मुझसे बेहतर डिज़ाइन बनाने लग जाएंगे। तो मैं खुद ऐसे चाहती हूँ कि मुझसे बेहतर ही डिज़ाइन आप बनाएं। ये उधर है ना जो मैंने हल्का जिगजैग सा किया था ना, अभी वो थोड़ा लाइट शेड शेड में रहता है वो मैं आपको बता दूँ क्योंकि मेरा कौन क्या थोड़ा ज़्यादा चल गया उधर, तो वो चीज़ है ना उस एग्जैक्ट हल्की शेड में रहती है। ये देखो कितना प्यारा रोज़ बना है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसको टैटू में मैंने बहुत बार अपने हाथ पे लगाया है अपने नाम के साथ, बहुत अच्छा लगता है ये, और रिश्ता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और नए तरीके का रोज़ बनाएंगे, रोज़ में ऐसा बताने वाला कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके जो मेरे मोमेंट्स हैं आपको इन पे ध्यान देना है कि मैं किस तरह किस रोज़ से किस रोज़ के लिए कैसा सर्कल बन रहा है, कहाँ हमें सर्कल के अंदर गोला रखना है। इसमें बिल्कुल भी बिंदु नहीं बनता है, हमने जैसे पहले के फ्लावर सीखे थे ना उसमें हम गोला करके बिंदु कर लेते थे, तो इसमें बिंदु नहीं बनता है बिल्कुल भी, वो एकदम खुला ही रहता है, क्योंकि जो पंखुड़ी होती है ना वो एकदम खुली खुली रहती है इस तरह से, तो इस तरह हमें वैसे ही रखना है। इसकी प्रैक्टिस आप कम से कम 3-4 बार करें, मैं तो हर क्लास की प्रैक्टिस कहती हूँ, आप सिर्फ एक बार देखकर एक बार बनाकर मत छोड़िए। अगर आप सच में मेहंदी सीखना चाहते हैं, आपका मेहंदी पैशन है, आपका मेहंदी क्रेज़ है, तो आप एक डिज़ाइन को 4-4, 5-5 बार बनाइए, ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे से फिट हो जाए। मैं नहीं चाहती कि आप कभी कोई आपको कहे कि हमारे मेहंदी लगा दो, तो आपको डिज़ाइन देखना पड़े, पन्ने पलटने पड़े, या वीडियो आपको देखना पड़े बार बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि जब वो जो तारीफ़ होती है तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे बस तारीफ़ और शौक है, और किसी चीज़ का शौक नहीं है,
मैंने कभी पैसे भी नहीं लिए हैं मेहंदी लगाने के, कभी इस भाव से मैंने मेहंदी लगाई नहीं है। हाँ, अपने फ्रेंड्स वगैरह की शादी में लगाए हैं, जो नेक होता था वो अपने हिसाब से दे देते थे, तो मैंने कभी इस तरह मांगा नहीं है किसी से भी। मुझे कहा है बहुत ने, पर एक दो बार ट्राई किया पर कोई इतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता था कि मैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनूँ, तो फिर मैंने भी लगाना भी छोड़ दिया और साथ में मांगना तो छोड़ ही दिया था कब का कि कोई मुझे पैसे दे मेहंदी लगाने के। पर आप प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हो, आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ का माहौल अलग हो सकता है। मेरा यहाँ माहौल थोड़ा गांव टाइप का है, तो यहाँ तो समझता ही नहीं है कोई, मेहंदी पे भी कोई पैसे लेते हैं ऐसे कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको प्रोफेशनल तरीके से बदल सकते हो, मेरे ज्ञान से आप इसको अपना करियर बना सको, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह आप मेरे डिज़ाइन सीखते रहें, मुझे अप्रिशिएट करते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि आपके कारण मैं भी अच्छा सीखूं, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है साथ में मेरी भी हो रही है। समझ रहे होंगे आप कि मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है इससे, क्योंकि मैं ये बनाती नहीं हूँ इतना, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं तभी बनाती हूँ। मैंने मेरी बुक में इन सबको बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये डिज़ाइंस मुझे भी इतने याद नहीं रहते, क्योंकि इसको मैं डेली नहीं बनाती हूँ। जब भी मुझे बनाना होता है मैं बुक खोलती हूँ, अपनी कॉपी खोलती हूँ, उसमें देखकर और मैं फिर अपने डिज़ाइन क्रिएट कर लेती हूँ। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप खुद से बना रहे हो, कैसा भी बनाओ चाहे, देख के बनाओ चाहे, जैसे मैंने आपको कौन चलाना आना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, अच्छा बुरा पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे डिज़ाइन अच्छे लगेंगे, किस तरह से बेकार लगेंगे। इस चीज़ का ज्ञान ले लोगे ना तो आपको मेहंदी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो लीजिए, हमारे आज के फ्लावर पूरी तरह से कंप्लीट हैं। मैंने काफ़ी तरह से आपको रोज़ फ्लावर बनाने सिखाए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है और कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत खुश होती हूँ, और सच में सबको शेयर भी करती हूँ कि देखो मेरी इस वीडियो पे ऐसा कमेंट आया। मुझे कहा था कि आपने 5th क्लास अपलोड नहीं किया, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी वीडियो का कितना इंतज़ार रहता है सबको, सच में लोग सीख रहे हैं मुझसे। एक और रोज़ है शायद, मुझे याद ही नहीं रहता एक्चुअली, क्या है ना मैं बना पहले रहती हूँ और फिर आवाज़ बाद में भरती हूँ, क्योंकि टीवी चल रहा होता है, बारिश आ रही होती है और घर वाले बोल रहे होते हैं, तो फिर क्या किसी को बोलना चुप हो जाओ अच्छा नहीं लगता। और आप देख सकते हो ये वीडियो कितना बड़ा, आधे घंटे के लिए कोई चुप रह सकता है, मैं तो नहीं रह सकती हूँ, कोई भी नहीं रह सकता है, तो इसीलिए मैं बाद में आवाज़ भरती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कितना बनाया है, क्या बनाया है। पर हाँ, बनाते वक्त मुझे सारे पता रहता है कि मुझे इस वीडियो, इस डिज़ाइन के लिए मुझे ये कहना है, इस डिज़ाइन में मुझे आपको ये कंडीशन बतानी है कि इस तरह से बनाएंगे तो ऐसा रहेगा। ये देखो, इसको गोल कर रही हूँ मैं, वो गोलाई में नहीं आ रहा ना, तो इसको मैं और थोड़ा बढ़ा कर गोल कर रही हूँ। अब ये लेवल में आ गया है, गोला गोल हो गया है, इस तरह से पत्ती निकाल देंगे। बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, इन्हें आप अपनी मेहंदी में इस्तेमाल कीजिएगा जब हम डिज़ाइन सीखेंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। मेरी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए ताकि सब सीख सकें, और मेरा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, और फिर कल मिलेंगे क्लास 7th में। कल भी हम कुछ इंटरेस्टिंग ही सीखेंगे, आपको हमेशा मेरी क्लास में अच्छा ही मज़ा आएगा कि आपको सीखने का इंटरेस्ट आपका और बढ़ेगा। और मैं बीच में आपका ये टेस्ट भी लूँगी कॉन्टेस्ट के ज़रिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि उस टेस्ट में क्लियर कर सकें और आप बहुत ही अच्छा प्राइस गेन कर सकें। तब के लिए धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे कौन पेज के साथ क्लास 7th में।